अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टिप्स। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मैंने मेरा कबूतर खोला हूँ और दोस्तों हमारे छराजी कबूतर दिख नहीं रहा है। बस अभी कबूतर खोला मैंने और कबूतर खोल के दाना पानी भी नहीं करा उनका मैंने, बस जितने भी हमारे कबूतर थे उनको खोला। तो दोस्तों हमारे छराजी कबूतर दिख नहीं रहा, उसको देखते हम कहाँ पे है। अभी देखिए आप, ये वाला छराजी कबूतर यहाँ बैठा है और ये इसकी माती। बाकी सारे कबूतर तो इधर ही बैठे हैं। देखिए आप, देखिए लॉफ्ट के अंदर में है क्या वो। दोस्तों हैप्पी भी नहीं शेराजी कबूतर हमारा। इधर देखते कहीं है क्या इधर में। नहीं इधर भी नहीं है दोस्तों, पीठियों में तो नहीं है। पीठियों में देख लिया हमने शेराजी को हमारे, मालूम नहीं दोस्तों कहाँ चले गया। इधर देखते हम थोड़ा, इधर भी नहीं है दोस्तों। ये रहा हमारा शेराजी कबूतर जो कि यहाँ पे जाके बैठा है। तो इसको देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम हो गई जिसको आज यहाँ पे जाने के बैठना पड़ा। दोस्तों कल से इसे दाना पानी भी नहीं खाया और यहाँ पे आके बैठा है भी ये। अब मालूम नहीं इसको क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने तो मेरे कबूतर खोला था और कबूतर खोल के दाना पानी भी नहीं करा उनका, बस अपने कबूतर सब मस्ती में थे। और आज का मौसम दोस्तों एकदम सही है। देखिए आप, धूप एकदम कुछ भी नहीं निकली, हवा ऐसे एकदम ठंडी ठंडी। ये बैठा हमारा शेराजी। दोस्तों कल इसने जंगली कबूतर से लड़ा था इसलिए इसके चोंच में थोड़ा खून निकल रहा था। इसको हम लेके चलते अपने छत के ऊपर में। ये रहा शेराजी, ये तो दोस्तों मिल गया हमको हमारा। ये इसकी मादी है। आ गए दोस्तों हम अपनी छत पे वापिस। मालूम नहीं दोस्तों अभी कबूतर में क्या प्रॉब्लम होगी, दाना पानी भी कुछ नहीं खा रहा है। दोस्तों जो इसकी चोच है वो तो ठीक होगी और एक नया सफ़ेद कबूतर आया, इसको छेड़ लगा था थोड़ी में। अगर छत के ऊपर बैठा तो आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए आप, ये उड़ रहा है सफ़ेद कबूतर। ये देखिए बिल्डिंग के पीछे में ये निकला सफ़ेद कबूतर। दोस्तों यहाँ पे बैठा बिल्डिंग के ऊपर में। अगर ये कबूतर छत के ऊपर आता है तो आपको बताऊंगा मैं। अब शेराजी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मुझे, इसको हल्का सा ऑलमोस्ट ही था। दोस्तों अभी कबूतर को दाना डाला मैंने और जो हमारा जंगली कबूतर देखे किस तरह की दाना खा रहा। अब इसको दोस्तों छत की आदत होगी छत के ऊपर में दाना खाने की। पहले इसको मैंने हाथ से दाना खिलाया एक दिन सिर्फ। मगर दोस्तों अब ये कबूतर खुद से दाना खाता है। और वो कबूतर वही बैठा है अभी इस बिल्डिंग के ऊपर में। दोस्तों कबूतर कहीं नहीं, सिर्फ फ्लैट फ्लैट बैठ रहा। दोस्तों इतना दाना पानी देखे कबूतर को बंद कर दूंगा मैं, अगर कबूतर आएगा तो आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी शाम की 4 बज रही और अभी मैंने मेरे कबूतर खोला था, देखिए आप। और अभी दोस्तों मैं रोटी दे रहा था कबूतर को, देखिए यहाँ पे रखी थी रोटी। और हमारे पिजन लॉफ्ट के अंदर में एक मादी शायद से अंडा दे रही है, देखिए आप। ये जो हरी मादी है इस जगह बैठी थी अंदर में। अब देखते हैं ये मादी अंडा देती कि नहीं देती है। वैसे हरी मादी ने इस जाग कबूतर के साथ में जोड़ा लगाया है और काफ़ी बार इनकी मैटिंग भी हुई है इसके अंदर में, लॉफ्ट के अंदर में, बाहर में भी। और ये हमारा जंगली दोस्तों धीरे धीरे छत के ऊपर भी सेट हो रहा है जंगली कबूतर। तो अब देखते हैं हरी माती अंडा देती है कि नहीं देती है। इस जगह बैठ रही थी कुंटी में ये हरी कबूतरी है और इसका नर है जाग। इस जगह बैठी थी अंदर में। अभी देखिए कबूतर एकदम मस्ती में फटफट कर रही इधर से उधर। देखते दोस्तों मादी अंडा देती है कि नहीं देती है, अगर देती है तो आपको बताऊंगा मैं। दोस्तों अभी कबूतर को दाना डाला मैंने और दाना देखिए कबूतर को बंद कर रहा था। देखिए आप ये मादी किस तरीके से कर रही है यहाँ पे और बाकी नर्स को परेशान कर रही है। ये है हमारी हरी कबूतरी जो कि हमने कुछ दिन पहले पकड़े थे।
दोस्तों इतने जल्दी इसका जोड़ा भी लग गया, तो मैं काम करता जितने भी नर कबूतर उनको बाहर कर देता और सिर्फ मादी को अंदर रहने देता। तो इनको फटाफट से बाहर करते हम। चल जा, चल 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 बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर निकलो। दोस्तों अंदर में सिर्फ जंगली है और हरी मादी है। लगा दे लॉक को। अब देखते हैं अंडे देती है कि नहीं देती है। वो जितने कबूतर खुले हैं अभी मेरे, अभी तो उस जगह पे जाकर बैठ चुके हैं दोस्तों फिर से। तो चलिए दोस्तों चल के देखते हैं मादी ने अंडा दिए कि नहीं दिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको लॉक में बंद करे थे और बाकी पूरे कबूतर बाहर कर दिए थे। तो अभी देखते हैं इसने अंडा दिए कि नहीं दिए। दोस्तों बैठी है अभी ये जगह पे, तो इंतज़ार करते हैं हम थोड़ा। और ये है जंगली। अगर तो दोस्तों फाइनली हमारी कबूतरी अंडे के लिए बढ़ चुकी है, अंडा देने के लिए। अब देखते हैं अंडा देती है कि नहीं देती है। मुझे तो लगता है दोस्तों अब अंडा देंगी हो। देखते हैं दोस्तों आप अंडा दिए कि नहीं दिए। अभी बैठी दिख रही है यहाँ पे। माशाल्लाह दोस्तों देखिए आप, हरी मादी ने अंडा दिए। इसको यहाँ रखता दोस्तों, लगता है थोड़ी देर पहले अंडा दी इसने, क्योंकि अंडा एकदम शाइन मार रहा है यहाँ पे। इसको रखता है यहाँ पे। मगर दोस्तों ये इस लॉक के अंदर फूट जाएगा। दोस्तों जो हमारा सीक्रेट लॉक था उसके अंदर में कबूतर ने अंडे दिए थे, तो उसके अंदर में से कबूतर ने दो बच्चे निकाले थे। उसमें अंडे ख़राब नहीं हुए थे कबूतर के, मगर ये हमारे छत के ऊपर का लॉक थे। अब मुझे मालूम नहीं दोस्तों इसके अंदर हमसे अंडे बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कबूतर हैं दोस्तों जो कि उसी जगह से आना जाना करते। और ये है उस कबूतरी का नर जाक। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस अंडे को रखना चाहिए या हटा देना चाहिए यहाँ से। ये हमारा जंगली जिसको हमने रेस्क्यू किए, और ये अंडा है इस जोड़े का। दोस्तों मुझे ज़्यादा खुशी हो रही कि लॉक के अंदर में कबूतर का जोड़ा भी लग गया और मादी ने अंडे भी दे दी। दोस्तों इस अंडे को हम हटा देंगे यहाँ से। देखिए अभी तो पहला अंडा है, तो पहला अंडा दोस्तों ये फेंकेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। जब ये दूसरा अंडा देंगी, जब इस अंडे को हम सोचेंगे कि रखना है कि रखना है, जब तक आप भाई कमेंट भी कर देंगे मुझे गोलू भाई इसको रखो या मत रखो। तो इसको अभी हटा देता मैं। दोस्तों अंडा हमने हटा दिए। अंडा इसलिए हटाए, अगर दोस्तों अंडा अभी हटाए नहीं होते हम, तो जो बाकी कबूतर इसके ऊपर से जाके अंडे को फोड़ दिए होते और हमारे लॉफ्ट के अंदर में चींटी हो गई होती, जिससे कबूतर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होती। इसलिए मैंने अंडा हटा दिया वहाँ से। बाकी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है दोस्तों। अंडा दे दी मादी ने, लॉफ्ट के अंदर में जोड़ा लग गया खुद से और अंडे भी हो गए मादी के। दोस्तों बहुत शानदार कबूतरी एकदम, बड़ा ही सही जोड़ा लगा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए आपने हमारा शहराजी कबूतर यहाँ पे आके बैठ चुका था इस जगह पे अंदर में। तो इसका हमने ट्रीटमेंट करे और एक बाद में एक नया भी कबूतर आया था, मगर दोस्तों कबूतर छत के ऊपर नहीं बैठा। फिर दोस्तों हमारी हरी मादी ने अंडा दी। तो दोस्तों आज की सारी अपडेट मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी तक कि आपने मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।